नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टॉप न्यूज और हम इस समय मौजूद है घोसी में। और जो आप ये समर्थन देख रहे हैं, आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी से घोसी विधानसभा से प्रत्याशी घोषणा हो चुका है। और अभी ये जो खबर आई है कि वसीम इकबाल उर्फ चुन्नू खान जी को भी बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है, और ये तमाम समर्थक हैं। आइए हम बातें करें और जानें कि 2022 चुनाव को जो प्रत्याशी बनाए गए हैं, यहाँ पर देखिए मिठाई खिलाने का दौर चल रहा है। यहाँ पर मशहूर शायर सलमान घोसवी जी मौजूद हैं और तमाम पदाधिकारी हैं, और बीच में इसमें मिठाई खिलाने का सिलसिला चल रहा है। वसीम इकबाल उर्फ चुन्नू जी को इनके समर्थक हैं, मिठाई खिलाकर और इनको शुभकामनाएं दिया जा रहा है। बिल्कुल पूरे समर्थक हैं। और आइए हम बात करें और जानते हैं, सबसे पहले तो यूपी टॉप न्यूज में आपका स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको टिकट मिला घोसी विधानसभा से, क्या कहना चाहेंगे आप? हम सबसे पहले जो है आप लोगों का जो है अपने आप स्वागत करते हैं। अरे साहब, आप भाई यहाँ यहाँ बगल 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 2017 में 2017 में हम बसपा से प्रत्याशी थे, हमने खूब चला। किसी कारणवश मान्य बहन जी ने मेरा टिकट काटा, लेकिन 2022 में चुनाव आते ही मान्य बहन जी ने मुझको बुलवाया कि कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ ना इंसाफी हुई, इस बार तुमको पक्का चुनाव लड़ना है और जाओ क्षेत्र में आके जीत को। हम सबसे पहले मान्य बहन जी का जो है हम आभार व्यक्त करते हैं कि उनकी देन है कि मुझको यहाँ तक जो है उन्होंने लाने का काम किया है। ऐसे मुद्दे कौन हैं 2022 चुनाव के लिए, कौन से मुद्दे हैं जिनको लेके आप पब्लिक के बीच में जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे? हमारे चुनाव के लिए तो सर्व समाज के लोग चिल्ला कर रहे हैं कि वसीम भाई से बढ़िया कोई प्रत्याशी नहीं होगा। 5 साल मैं 12 से 17 तक घोसी नगर पंचायत चेयरमैन रहा, मेरे कामों को देख करके लोग खुश हैं कि ऐसे आदमी की ज़रूरत है, ऐसे प्रत्याशी की ज़रूरत है। आशा उम्मीद उनको लगी है कि जिस तरीके से घोसी नगर पंचायत को उन्होंने सवारा है, इंटरलॉकिंग से लेके बिजली से लेके पानी तक की व्यवस्था मेरे दौर में हुई है। तमाम घोसी के आवाम को, विधानसभा के लोगों को यही आशा उम्मीद बनी है। और इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिला, जनता तो चिल्ला रही न जाने कितने वोटों से मतों से हम सभी दलों को परास्त करेंगे। जनता इस उम्मीद में है कि चेयरमैन का देखा हुआ काम है, ये काम करेगा तो कहीं से कोताही नहीं होगी। सड़क पानी बिजली की व्यवस्था करने की कोशिश पूरी रहेगी और आवाम के अंदर हम चाहेंगे, एक आवाम तो लहर उठा दिया है कि अगर बसपा में प्रत्याशी वसीम इकबाल है तो उसे बेटा कोई प्रत्याशी नहीं है, आमने सामने कोई नहीं है। बात कर लें, हम विधानसभा के चुनाव की बात कर लें, अक्सर मऊ को देखा जाए और घोसी विधानसभा की बात कर लिया जाए, बाहर ये लोगों का काफ़ी कब्जा रहा है, आप उन चीज़ को कैसे तोड़ेंगे? ये तो समय मिलने के बाद मौका आता है, घोसी की जनता अगर एक मोटर भेजती है तो ऑटोमेटिक सबका सिलसिला जारी हो जाएगा कि घर वापसी हो जाए सबकी। लोग कई ऐसे पार्टियों का घोषणा हुआ है, प्रत्याशियों का घोषणा होते ही ये लोग सड़क पे आ गए हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं कि हमें बाहरियों को भगाना है, क्षेत्रियों को लेके जाना है, आप इस पे क्या नज़रिया है आपका? जो क्षेत्र के लोग कहते हैं, जो आम कहती है वही सर्वमान्य है, जो बोलता है वो सही बोलता है, उसमें जनता के ऊपर हमारा पूर्ण विश्वास है कि जो जनता करे उसको करके दिखाएगी। तो क्या लगता है 2022 चुनाव को कैसे देखते हैं आप? 2022 का चुनाव हम लोगों की सरकार बनने जा रही है, हमारी बहन जी माननीय मुख्यमंत्री बनेंगी और पूरा ही जो है उत्तर प्रदेश का सुधार हो जाएगा। बात कर लें उप मुख्यमंत्री, जैसे बताया कि मुख्यमंत्री बनेंगी, मगर जिस तरह से बहुजन अरे बीजेपी और सपा जिस तरह से रैलियों पर रैलियों किया, वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी को आपको नहीं लगता कि मायावती जी का थोड़ा सा काफ़ी स्लो रहा प्रचार प्रसार? नहीं, प्रचार प्रसार स्लो नहीं रहा, मान्या बहन जी की फौज जो है हमेशा लगी रही, उनका कोई जवाब नहीं है। बसपा पार्टी से ज़्यादा जो है किसी के पास सेना नहीं है गांव गांव गली कूचे में चलने के लिए। 2022 चुनाव के लिए हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को? हम आपके चैनल से क्षेत्रवासियों को एक संदेश देंगे कि आप हमारे लिए मरते हैं, अगर मुझको मौका मिला तो घोसी विधानसभा की आवाम के लिए खून पसीना हमारा उनके साथ है, ज़रूरत पड़ी तो खून भी दे देंगे।
जिस तरह से चुन्नू खान जी थे और ये बता रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो खून भी हम दे देंगे, तो इससे जाहिर सी बात है टिकट का घोषणा हो चुका है। यहीं बगल में है मशहूर शायर सलमान घोसवी जी, और इनसे हम बात नहीं करेंगे तो थोड़ी सी बातें अधूरी रह जाएंगी। हम इनसे भी बातें करेंगे और जानेंगे, थोड़ा सा दो लाइन सुनाइए, माहौल तो बड़ा काफ़ी मस्त है। सबसे पहले यूपी टॉप न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास तौर से मैं मेरे मामा लगते हैं वसीम इकबाल चुन्नू भाई को मैं दिल से बधाई देता हूं, क्योंकि शायर का हक होता है शायरी के जरिए अपनी बात को कहे। सिर्फ और सिर्फ चार मिसरे रखता हूं उनके हवाले से सुन। बिल्कुल बिल्कुल। सबका वो लाल बन के आया है, जहां से शेर समझ में आ जाए आप अपनी दुआओं से नवाज दीजिएगा। सबका वो लाल बन के आया है, जनता का ख्याल करने आया है। सलमान सलमान घोसी में खबर कर दो, सलमान घोसी में खबर कर दो, वसीम इकबाल लड़ने आया है, वसीम इकबाल लड़ने आया है। बहुत शुक्रिया।